हाय, वेलकम। साइंस की मेरी सीरीज में आज हम ये बात करेंगे कि कैसे इंसान ने ये डिस्कवर किया कि धरती जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है। पुराने समय से ही हम हमेशा से ही स्टार्स को यानी जो है सितारों को देखते आए हैं, और हमारे जो पूर्वज होंगे वो रात में वंडर करते होंगे कि आखिर सितारे हैं क्या। और जो है हम सितारों में जो है खूब पैटर्न देख पाते थे, क्योंकि वो हंटर रहे होंगे तो उन्हें जो है उसमें भालू और जो है तीर धनुष बाण ऐसी चीजें दिखती होंगी। लेकिन क्वेश्चन ये था कि जब वो चलते हुए जब सितारे दिखते थे तो उनके मोशन को क्या गवर्न करता था। कहने का मतलब यह है कि जैसे सूरज है वो हम देखते हैं कि पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, इसी तरह सितारे भी हमेशा जो पैटर्न होते थे, मान लो आपने पैटर्न देख लिया, एक भालू टाइप का दिख रहा है, वो भालू का पैटर्न जिन्हें हम हिंदी में नक्षत्र या कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं, वो कॉन्स्टिलेशंस हमेशा पूरब से निकलती थी और पश्चिम में डूबती थी। और खास बात यह कि साल के अलग अलग सीजन्स में गर्मियों में अलग टाइप के पैटर्न आते थे आसमान में, और सर्दियों में अलग टाइप के पैटर्न आते थे। इनफैक्ट अगर आप, और यह बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता था, जब भी गर्मियों का टाइम आता था तब एक टाइप के पैटर्न होते थे आसमान में, और फिर जब सर्दियां आती थी तब अलग टाइप के पैटर्न होते थे आसमान में। तो क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इनफैक्ट ये भी था कि अगर आप जो है केयरफुली कई सालों तक नोटिस करते तो आसमान में किस टाइप के जो है सितारे हैं उससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते थे कि अब गर्मी आने वाली है या सर्दी आने वाली है। और हम ये उस समय की बात कर रहे हैं जब कैलेंडर ही नहीं था, जब जब हम टाइम ही नहीं मेजर करते थे। आज तो हमने टाइम को भाई सिस्टमेटिक यूनिट्स में तोड़ लिया है, हमारे पास साल हैं, महीने हैं, दिन हैं, एक साल मतलब धरती जो है जिसमें सूरज का चक्कर लगाती है, एक दिन जिसमें कि धरती अपनी एक्सेस पर पूरी रोटेट करती है। लेकिन एक समय ऐसा था जब हमें ये सब पता ही नहीं था, हमें ये भी नहीं पता था कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है या धरती अपनी एक्सेस पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है। तो हम उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हम आसमान में देखकर सीजन्स प्रेडिक्ट कर पाएं, क्योंकि सीजन्स प्रेडिक्ट कर पाना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और उस समय आदमी के जीवन और मरण का सवाल हो सकता था ये। क्योंकि अगर आप हंटर हो मान लो, ठीक है, और तो अलग अलग सीजन में कुछ एनिमल्स को आप हंट कर पाओगे, और अगर आप खेती करते हो तो किसी सीजन में अगर आप बीज बोओगे तो वो उगेगा और किसी सीजन में नहीं उगेगा। तो सीजन्स प्रेडिक्ट कर पाना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसीलिए स्टार पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना कि कौन से कॉन्स्टेलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आसमान में एक बहुत ही, अगर आप देखो और सोचो तो, कैलेंडर बिछा हुआ था, बस एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उन्हें नोट कर पाए और उन पैटर्न्स को रिकॉर्ड करें। आसमान में एक बहुत बड़ा कैलेंडर था। लेकिन भले ही स्टार्स का उठ निकलना और डूबना बहुत प्रेडिक्टेबल था, लेकिन आसमान में कुछ ऐसे सितारे थे जो कि बहुत स्पेशल थे। ये जो सितारे थे ये किसी भी नक्षत्र को बिलोंग नहीं करते थे। ये जो है समय जैसे जैसे चेंज होता था ये एक कॉन्स्टिलेशन से दूसरी कॉन्स्टिलेशन में चले जाते थे, और जो है अगर आप उन्हें नोटिस करते तो देखते कि अरे ये तो चल रहे हैं, बाकी के स्टार कांस्टेंट हैं बैकग्राउंड में और एक सितारा है जो कि चल रहा है। सोचो कि ऐसे सितारे को देखकर इंसान को कितना अच्छा लगता होगा कि हमारी तरह ये भी जो है घूमने वाला एक सितारा है। वो कुछ स्पेशल सितारे थे, और इनफैक्ट वो कभी कभी सितारे क्या करते थे कि सीधे जाते थे और फिर अचानक से पीछे आने लगते थे और फिर सीधे जाते थे। जैसे कि ये वो हमें बाद में उनका नाम जो है वो प्लैनेट्स दिया गया, हमने ये इंसान ने ये सोचा कि शायद ये सितारे नहीं है कुछ और हैं, तो उनका नाम प्लैनेट्स दे दिया गया। और ये जो फोटो है ये एक प्लैनेट है मार्स, उसकी फोटो है जो कि हमने करीब 8-10 महीने के ऊपर लिए, और उसमें आप देख रहे हो कि कैसे ये स्टार स्टार जो कि प्लैनेट है एक्चुअली, कैसे सीधे गया फिर पीछे आया और फिर सीधे चला गया। और ये मार्स की फोटो है, मार्स इजिप्शियन टाइम से नोन है 3,000 साल पहले आज से, और इजिप्शियन टाइम में उसका नाम सेगदेद एम खेतखेत होता था, जिसका मतलब है कि वो जो कि पीछे चलता हो, वन हु ट्रेवल्स बैकवर्ड्स। तो ऐसे पांच स्पेशल स्टार्स हमें दिखते थे, उन पांच को हमने नाम दे दिया प्लैनेट्स, और हिंदुइज्म में या हिंदी में उनका नाम है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, इंग्लिश में मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ऐसे पांच हमें दिखते थे। एक और सोचने वाली बात यह थी कि जो
हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें आसमान में हैं जिन्हें कि हमें लगता था शायद वो गॉड हैं और भगवान हैं, वो हमारी लाइफ पर उनका बहुत इम्पैक्ट था। भाई सूरज अगर नहीं निकलेगा तो हम मर जाएंगे। सूरज हमें क्लियरली लाइट देता है, गर्मी देता है, सूरज की वजह से खाना उगता है। स्टार्स हमें सीजन्स देते थे ऐसा लगता था, और चंद्रमा से फॉर एग्जाम्पल समुद्र में टाइड्स आते थे जो है। तो अगर सबका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है तो फिर प्लैनेट्स का क्या इम्पैक्ट है, ये क्वेश्चन था। यहाँ से ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी भी की रूट यहीं से आती है। एस्ट्रोलॉजी इस तरह शुरुआत हुई एस्ट्रोलॉजी की कि इंसान को ये आइडिया लगा ऐसा कि आपके बर्थ, जब आपका पैदाइश हो तब ये जो पांच प्लैनेट हैं स्पेशल प्लैनेट, वो किस नक्षत्र में हैं, उससे आपकी डेस्टिनी, आपका पूरा जीवन, आपका भाग्य तय होता है। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस नहीं है। हम इस सीरीज़ में साइंस की अगर बात करेंगे, अगर हम ये सीखेंगे कि क्या साइंस है, तो हमें ये भी सीखना होगा कि क्या साइंस नहीं है। सैटर्न यानी कि शनि सिर्फ एक प्लैनेट है जो कि गैस और धूल मिट्टी का बना हुआ है, जैसे कि धरती बनी हुई है। उसका आपके जीवन पर कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है। इस बात के चांस कि आप लॉटरी जीतोगे, क्योंकि शनि एक किसी नक्षत्र में है, उतना ही है जितना कि शनि किसी और नक्षत्र में होता। सैटर्न यानी कि शनि डज नॉट केयर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो। एस्ट्रोलॉजी में इसलिए कह रहा हूँ ऐसा कि नहीं वर्क करती, क्योंकि साइंस की तरह 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते जो भविष्यवाणियां एस्ट्रोलॉजी करती है, वो कभी चलेंगी कभी नहीं चलेंगी। सिक्का उछालने पे भी कभी हेड्स आएगा कभी नहीं आएगा, वो साइंस नहीं है। साइंस वो होती है जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क करे। अगर अगर एस्ट्रोलॉजी ट्रू साइंस होती तो फिर दो ट्विन ब्रदर जो कि सेम समय पर सेम जगह पर पैदा हुए और उनके पैदा होने पर प्लैनेट्स सेम कॉन्स्टिलेशन में थे, उनकी बिल्कुल सिमिलर लाइफ होनी चाहिए थी, जो नहीं होती। कई सारे रिसर्च पेपर, मैंने एक पेपर का एंड में रेफरेंस भी दिया है, इस बात पर पब्लिश हो चुके हैं। पुराने समय में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, स्टार्स को देखना और मेजर करना एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोलॉजी यानी भविष्यवाणी करना, इनके बीच फर्क नहीं था। पुराने एस्ट्रोनॉमर जो थे वो एस्ट्रोलॉजर भी थे, और एस्ट्रोलॉजी बहुत ही पुराना पास्ट से आज कैरी ओवर हो गया है। और उस समय जो प्रीस्ट थे वो ये ट्रूली बिलीव करते थे कि सितारों का या प्लैनेट्स का या ग्रहों का हमारे जीवन पर कुछ इम्पैक्ट है। और ठीक है, उस समय उन्हें ऐसा लगता था क्योंकि उन्हें नहीं पता था इससे बेटर। दुख की बात यह है कि आज हम जानते हैं कि प्लैनेट्स कुछ स्पेशल नहीं है, धरती की तरह धूल मिट्टी के बने हुए हैं और उनका हमारे जीवन पर कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। फिर भी कई लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं और जाने कितने लोगों को अपना पैसा बर्बाद करते रहते हैं। एनीवेज, हम जो है आगे बढ़ते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं इस बात को कि कैसे इंसान ये कोशिश कर रहा है कि ये जो सितारे आसमान में चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, कौन चला रहा है, क्या रूल वो फॉलो कर रहे हैं, क्यों ऐसे पैटर्न आ रहे हैं। पहला एक आदमी जिसकी हम बात करेंगे वो है एरिस्टार्कोस। ये सामोस में पैदा हुआ था, ये वही जगह है आइलैंड ग्रीस का जहाँ पर पाइथागोरस भी पैदा हुआ था, और जो है 310 BC की बात है, आज से 2300 साल पहले की। और इसने, एरिस्टार्कोस ने, पहला आदमी था जिसने ये प्रपोज किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि धरती स्टिल है और सूरज का चक्कर, धरती सूरज स्टिल है और धरती सूरज का चक्कर लगाती है। उसके मॉडल में सूरज सेंटर में था और धरती उसका चक्कर लगाती थी। लेकिन अरिस्टार्कोस से पहले एरिस्टोटल ने भी ऐसा मॉडल कंसिडर किया था, लेकिन ये मॉडल उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके कई कारण थे, उसमें कई ऑब्जेक्शन थे। पहला ऑब्जेक्शन उसका यह था कि अगर धरती सूरज का चक्कर लगा रही है तो फिर हमारे पास दिन और रात कैसे होते हैं, सूरज चलता हुआ कैसे दिखाई देता है। उसका रीज़न जो है, एरिस्टोटल ने ऐसा सोचा कि भाई अगर ऐसा है तो फिर धरती को अपनी धुरी पर घूमना होगा, क्योंकि अगर सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखता है तो इसका मतलब धरती पश्चिम से पूरब की ओर घूमती होगी, जिसकी वजह से हमें लगता होगा कि सूरज आ रहा है। लेकिन अगर धरती इतनी वायलेंटली अपनी धुरी पर घूमती है तो फिर धरती पर हर वक्त हवाएं क्यों नहीं चलती रहती, या फिर अगर अगर किसी गेंद पर पानी की बूंद है और आप गेंद को घुमाओगे तो पानी की बूंद बाहर छिटक जाएगी, उसी तरह आप घूमती हुई धरती से बाहर क्यों नहीं फेंक जाते, आप कैसे धरती पर जो है खड़े हुए हो।
ये उसका पहला ऑब्जेक्शन था। एक और ऑब्जेक्शन ये था कि भाई अगर धरती जो है चक्कर लगा रही है सूरज का, यानी धरती चल रही है, तो आसमान में ये जो पक्षी उड़ रहे हैं वो पीछे क्यों नहीं रह जाते, धरती आगे क्यों नहीं निकल जाती। उसका तीसरा ऑब्जेक्शन ये था, और ये भी बहुत वैलिड ऑब्जेक्शन है, कि हम पैरेलैक्स क्यों नहीं ऑब्जर्व करते। पैरेलैक्स की हम बात करेंगे। पैरेलैक्स बेसिकली ये होता है कि अगर आप दो चीज़ों को देख रहे हो, एक चीज़ बहुत पीछे है और एक चीज़ आगे है, और आप अगर शिफ्ट करते हो तो ऐसा लगता है कि पीछे वाली चीज़ तो सही सेम जगह पर है और आगे वाली चीज़ आगे पीछे हो रही है। तो अगर धरती अपने ऑर्बिट पर घूमती तो जो प्लैनेट्स थे या सितारे थे, वो जो पास वाले सितारे थे, वो अपने बैकग्राउंड स्टार के बैकग्राउंड में थोड़ा आगे पीछे होते हुए दिखने चाहिए थे। चलिए पैरेलैक्स की पहले थोड़ी और बात करते हैं। पैरेलैक्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपेरिमेंट करो, आप जो है एक अंगूठा लो और जो है आगे रखो और एक आंख से देखो, तो मुझे अभी जो है पी दिखा हुआ दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर। अब मैं ये आंख बंद करता हूँ और इस साइड से देखता हूँ तो मुझे पूरा ARR ALL दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस साइड से मुझे सिर्फ पी दिख रहा है, उस साइड से मुझे पी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो पैरेलैक्स लिखा हुआ है वो आगे पीछे शिफ्ट कर रहा है, या मतलब वो वही है और मेरा अंगूठा शिफ्ट कर रहा है, अभी यहाँ था अभी यहाँ हो गया। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक साइड से देख रहा था और फिर दूसरी साइड से देख रहा हूँ, और एक चीज़ आगे और दूसरी चीज़ पीछे। उसी तरह अगर बैकग्राउंड में कुछ सितारे हैं और कुछ सितारे पास हैं, तो अगर धरती अपनी धुरी पर घूमती है तो सितारों को आगे पीछे देखना चाहिए, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर, ऐसा हम नहीं नोटिस करते, पैरलैक्स नहीं दिखता। एरिस्टार्कोस ने ये रीज़न किया कि भाई इसका मतलब तो यही हो सकता है कि सितारे बहुत दूर हैं, क्योंकि अगर चीज़ें बहुत दूर होती हैं तो उनमें पैरलैक्स नहीं होता। ये रहा एक एग्जाम्पल कि अगर स्टार पास है तो जो है उसका पैरेलैक्स दिखेगा, और स्टार बहुत दूर है तो उसमें पैरेलैक्स नहीं दिखेगा। तो उसने ये आर्ग्यू किया कि धरती जो है उससे सितारे बहुत दूर हैं, इसलिए पैरेलैक्स नहीं दिखता। पर एरिस्टोटल का वजन बहुत ज़्यादा था, उसके आर्ग्यूमेंट्स बहुत वेट थे उस समय, तो अरिस्टार्कोस का हीलियोसेंट्रिक मॉडल, हीलियो मतलब सन, सन के अराउंड जाने वाला मॉडल, उस समय एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद आए टॉलमी, क्लाउडियस टॉलमस, जो कि 90 AD में थे और से 168 AD तक। टॉलमी का मानना यह था कि जो है धरती यूनिवर्स का सेंटर है और धरती के अराउंड पूरा यूनिवर्स चक्कर लगाता है। जियोसेंट्रिक मॉडल था यही, जो कि एरिस्टोटल ने भी कहा था। और उसने ये भी प्रपोज किया कि जो प्लैनेट्स हैं या फिर मून है, सन है, ये एक स्फियर्स, सेट ऑफ स्फियर्स हैं। उसका मॉडल कुछ ऐसा दिखता था कि धरती बीच में है, उसके बाद एक स्फीयर है जिस पर कि मून अटैच है, उसके बाद एक स्फीयर है जिस पर मरकरी अटैच है, उसके बाद एक स्फीयर है जिस पर वीनस अटैच है, फिर सन अटैच है। इस तरह सात क्रिस्टल, कांच के बने हुए बहुत बड़े बड़े गोले हैं, जिनमें कि उन गोलों से चिपके हुए ये प्लैनेट हैं, और वो गोले जैसे जैसे घूमते हैं उनसे चिपके हुए ये प्लैनेट्स और सूरज घूमते हैं, और एंड में जो ऐसे सात स्फीयर थे, सात बड़े बड़े गोले थे, और एंड में जो गोला है वो स्टार्स का है जो कि बहुत दूर है। यहीं से सातवें आसमान में, हिंदी में जैसे कहते हैं ना, अरे आप सातवें आसमान पे लग गए, तो सेवेंथ हेवन जो है ये वर्ड भी यहीं से आता है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि अगर अगर सही में मोशन ऐसा है, तो फिर जो प्लैनेट हमें दिखते हैं कि भाई वो आगे जा रहे थे और फिर अब वो पीछे आने लगे, ये कैसे एक्सप्लेन होगा? इसके लिए टॉलमी ने कहा कि कुछ समथिंग कॉल्ड एपिसाइकल्स होते हैं। ये एपिसाइकल क्या होते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो इन स्फीयर्स पर एकदम कसके नहीं जकड़े हुए हैं, वो उनके अराउंड छोटा छोटा चक्कर लगा सकते हैं। इन चक्करों को एपिसाइकल कहते थे। तो अगर वो उन स्फीयर्स से जुड़े हैं एपिसाइकल के थ्रू, और एपिसाइकल ये छोटे छोटे सर्कल लगा रहे हैं, तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो बैकवर्ड जाते हुए दिखेंगे। तो ये एक थ्योरी है जो कि टॉलमी ने दी थी, और इस थ्योरी को चर्च ने भी बहुत सपोर्ट दिया, क्योंकि चर्च के रिलीजियस बिलीफ थे कि धरती जो है यूनिवर्स का सेंटर है, भगवान ने बनाया है, और बहुत डिवाइन है धरती, और बाकी सब चीज़ें तुच्छ हैं और उनका स्टेटस धरती के कंपैरिजन में छोटा है, तो वो धरती का चक्कर लगाते हैं। चर्च ने भी सपोर्ट किया, और यह मॉडल से प्रेडिक्शन भी हो पाती थी थोड़ी बहुत। तो 1500 साल तक यही मॉडल रहा।
हमारा जो ठीक है, उसके बाद आए 1500 साल बाद निकोलस कोपरनिकस। कोपरनिकस बॉर्न हुआ था पोलैंड में, एक जगह है टुरुन, और ये बहुत ही रिलीजियस आदमी था लेकिन एस्ट्रोनॉमर भी था। उसने स्टार्स को देखते देखते, उसे ऐसा लगता था कि प्लैनेट्स का ये जो पीछे जाने वाला मोशन है, ये एपिसाइकल्स बहुत नेचुरल लगते थे उसे। एक और सोचने वाली बात ये थी कि ऐसा क्यों होता था कि जो कॉन्स्टिलेशन है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग आते थे और एक साल के बाद फिर से वही कॉन्स्टिलेशन आने लगते थे। मतलब ऐसा सालाना पैटर्न क्यों था, हर 365 दिन के बाद सेम सेट ऑफ जो है कॉन्स्टिलेशन आकाश में आ जाते थे। तो कोपरनिकस ने मरने से पहले एक बुक पब्लिश की जिस बुक का नाम था द रेवोल्यूशनस ऑर्बियम सेलेस्टियम। मैंने एंड में रेफरेंसेस में जो है लिंक भी दिया है जहाँ पर आप ये बुक चाहो तो पढ़ सकते हो, जो उसने पब्लिश की 1543 में जब वो मरने वाला था। उससे पहले कोपरनिकस ने ये थ्योरी करीब 20-30 साल पहले बना ली थी लेकिन उसने कभी पब्लिश नहीं की और बहुत ही एनोनिमसली वो सर्कुलेट करता रहा क्योंकि उसे जो है चर्च का बहुत डर था। इस थ्योरी में सूरज बीच में था, फिर उसके बाद मरकरी था, फिर वीनस था, फिर अर्थ थी तीसरे नंबर पे, और जो मून था वो अर्थ का चक्कर लगाता था, उसके बाद मार्स था, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न और फिर सितारे थे, ऐसा था। और उसने ये भी प्रपोज किया उसके सिस्टम में कि धरती और अदर प्लेनेट जो हैं वो सूरज का चक्कर लगाते हैं। अब अगर धरती चक्कर लगाती है तो ऑब्वियसली धरती को घूमना भी पड़ेगा दिन रात को एक्सप्लेन करने के लिए, और धरती का सेंटर यूनिवर्स का सेंटर नहीं है बल्कि सूरज है सेंटर, और सितारों बहुत बहुत दूर हैं, जो कि ये भी ज़रूरी है क्योंकि पैरेलैक्स हमें नहीं देखता। और ये जो प्लैनेट्स का पीछे जाने वाला मोशन है ये धरती के चलने से एक्सप्लेन हो जाता है, और ये एक्सप्लेनेशन देखना कि कितनी ब्यूटीफुल है। ये एक्सप्लेनेशन ऐसा कहती है कि सपोज आप एक हाईवे पे जा रहे हो और आपके पैरेलल में एक गाड़ी चल रही है, तो अगर आप अपनी कार स्पीड अप करोगे, उस गाड़ी को कैचअप करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि बगल वाली गाड़ी पीछे जा रही है। फिर आप अगर स्लो कर दोगे अपनी गाड़ी तो ये वाली गाड़ी फिर से आगे जाती हुई दिखेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो कार है जो आगे जा रही थी वो पीछे आई और फिर आगे जाने लगी। तो इस में ऐसा होता था इस थ्योरी में कि सूरज सेंटर पे है, धरती चक्कर लगा रही है और वीनस भी चक्कर लगा रहा है। जब आप पोजीशन ए से देखते थे तो जब यहाँ पर देखते थे तो आपको लगता था ए पर है, बैकग्राउंड में देख रहे हो आप डिस्टेंट स्टार्स के, है ना। जब धरती ने कैचअप कर लिया तो कैचअप करते करते आपको लगा कि जो है ए बी सी ऐसे आ गई, फिर डी पर आते आते वापस आने लगी। पहले जो है मार्स सी पे दिख रहा था, फिर अचानक से डी पे पीछे दिखने लगा, फिर और पीछे दिखने लगा ई, लेकिन फिर वीनस ने कैचअप कर लिया और फिर एफ जी ऐसे देखा। तो ऐसा लग रहा है जाने में अर्थ भी आगे जा रही है और वीनस भी आगे जा रहा है लेकिन बैकग्राउंड के स्टार्स में ऐसा लग रहा है पैरेलैक्स की वजह से कि जो प्लेनेट हैं वो पीछे चक्कर लगा रहे हैं, जैसा कि फोटो हमने देखी थी। ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल थी और जो है ऐसी एक एक्सप्लेनेशन थी। क्या सही है क्या नहीं है ये हमने अभी भी निर्धारित नहीं किया है, लेकिन ये कोपरनिकस की जो है एक्सप्लेनेशन थी। इसमें कोई एपिसाइकल, कोई सेलेस्टियल स्फीयर, कोई गोले या मैजिक गोले नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इस थ्योरी को बहुत ही ऑपोजिशन मिला अपने टाइम में क्योंकि उस समय लोगों के कॉमन सेंस कि भाई धरती घूमती है तो हवाएं क्यों नहीं चलती और हम फिक क्यों नहीं जाते, उनके कॉमन सेंस को भी वायलेट करती थी, और उनके रिलीजियस बिलीफ कि भाई धरती डिवाइन है, भगवान ने बनाई है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, उसको भी वायलेट करती थी। और कोपरनिकस खुद जो कि एक चर्च का बंदा था, खुद बहुत रिलीजियस बंदा था, चर्च से डरता था, उसने ये पब्लिश नहीं की और एंड में अपने फ्रेंड और डिसाइपल के बहुत कहने पर उसने मरने से जस्ट पहले ये थ्योरी पब्लिश की। मार्टिन लूथर जो कि उस समय बहुत ही फेमस प्रीस्ट थे और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म आया था, उन्होंने कोपरनिकस को कहा था कि ये फूल है। चर्च ने 1616 में कोपरनिकस की बुक को फॉरबिडन लिस्ट में डाल दिया और वो बुक जो है फॉरबिडन लिस्ट में रही, नहीं पढ़ने को बोला 1835 तक, जब तक कि वो करेक्ट नहीं हो जाती। लेकिन कोपरनिकस के मरने के कुछ साल बाद आए गैलीलियो गैलीलेई। गैलीलियो ने बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया साइंस को लेकिन एक मेजर था कि उन्होंने टेलीस्कोप बनाया। ये टेलीस्कोप जो है एक रेप्लिका है ओरिजिनल टेलीस्कोप की, जो कि लॉस एंजलिस में ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी में रखी हुई है, मैं गया भी था, मैंने देखी भी थी। तो गैलीलियो इस टेलीस्कोप की मदद से, टेलीस्कोप का मतलब होता है बाय द वे टेली मतलब फार, जैसे टेलीफोन में भी होता है,
और स्कोप मतलब देख पाना, तो दूर की चीजें देख पाना मतलब टेलीस्कोप। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप से दूर की चीजें मैग्नीफाई करके देख पाता था। तो उसने जब अपनी टेलीस्कोप मून की तरफ देखी, उसे बड़ा मून देखा, और उसने प्लैनेट्स भी देखे, जुपिटर भी देखा। जब उसने जुपिटर देखा तो उसे कुछ एक्सेप्शनल देखा। उसने देखा कि जुपिटर के अराउंड 4 सितारे हैं जो कि एक सीधी सी लाइन में हैं और बहुत छोटे छोटे हैं, आंखों से नहीं दिखते, लेकिन जब मैं जो है अपनी टेलीस्कोप से देखता हूँ तो ऐसे मुझे 4 जो है छोटे छोटे सितारे देखते हैं। 7 जनवरी 1610 को उसने ऐसा देखा। थोड़े दिन बाद जब उसने और देखा, तो थोड़े दिन बाद 10 जनवरी को, जो कि मेरा बर्थडे भी है, उसने देखा कि एक सितारा गायब हो गया। सितारा गायब हो गया, तो ये कैसे हो सकता था? पहली बात तो ये जो सितारे थे ये चल क्यों रहे हैं, क्योंकि फिक्स सितारे तो कभी चलते चलने नहीं चाहिए। उसने ये कंक्लूड किया कि भाई ये जो सितारे हैं ये पक्का जुपिटर का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वो जो सितारा गायब हो गया वो पक्का जुपिटर के पीछे है। थोड़े ही दिन की ऑब्जर्वेशन से उसने ये कंक्लूड कर लिया कि ये जो चीज़ें थी वो धरती, वो जो है जुपिटर का चक्कर लगा रही थी, इसी तरह जैसा कि कोपरनिकस के मॉडल में जो चंद्रमा है धरती का चक्कर लगाता है। एक और बात इससे क्लियरली ये पता चली कि हर कुछ धरती के अराउंड नहीं चलता था, जो है जुपिटर के मून जुपिटर के अराउंड चलते थे। ऐसा कुछ भी डिवाइन नहीं था धरती के बारे में, ऐसा कुछ भी रिलीजियस नहीं था धरती के बारे में कि भगवान ने बनाया और सब कुछ जो है धरती के अराउंड जाना चाहिए। जुपिटर के मून जुपिटर के अराउंड जाते थे। और ये ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ इसने ये तो इस्टेब्लिश कर दिया कि टॉलमी का मॉडल नहीं चल पाएगा, सेलेस्टियल स्फीयर वाला, क्योंकि सब चीज़ें धरती के अराउंड नहीं जा रही हैं। और क्योंकि टॉलमी के मॉडल में ऐसे सब चीज़ें धरती के अराउंड जाती ना, कि और उसमें जुपिटर के अराउंड जाने वाले मून्स की कोई जगह नहीं थी। ये फोटो बाय द वे क्लोजअप फोटो है जो कि स्पेसशिप हमने भेजे हैं उनसे, जुपिटर के जो कुछ मून हैं, ये 4 मून गैलीलियन मून्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी फोटो है। एनीवेज, कंक्लूड करते हुए, हम आज जानते हैं कि धरती जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है। एरिस्टोटल ने जो भी ऑब्जेक्शन अपने टाइम में दिए थे वो उस समय हमें इनकम्प्लीट नॉलेज थी साइंस की, आज वो रिजॉल्व हो चुके हैं। धरती पर स्ट्रॉन्ग विंड इसलिए नहीं चलती क्योंकि धरती का एटमॉस्फेयर धरती के साथ चक्कर लगाता है। हम धरती से इसलिए नहीं फेंक जाते क्योंकि ग्रेविटी हमें पकड़ के रखती है। अगर ग्रेविटी हमें पकड़ के नहीं रखती तो हम फेंक जाते। हम पैरेलैक्स नहीं दिखता हमें आई से क्योंकि स्टार्स बहुत दूर हैं, जैसा कि एरिस्टार्कस ने 2300 साल पहले प्रेडिक्ट किया था। पैरेलैक्स होता है और हम मेजर भी कर सकते हैं अगर हम बहुत प्रिसाइस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें। इनफैक्ट हम अगर बहुत प्रिसाइस मेजरमेंट लें तो उससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि वो सितारा आखिर है कितनी दूर, और हम निकालते हैं इससे। इस वर्क ने, ये हम कंक्लूड कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में, जो है हमने जब फाइनली ये डिस्कवर कर लिया कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है, इसने फ्यूचर वर्क की फाउंडेशन रखी। इस वर्क पर जो है आगे आने वाले एस्ट्रोनॉमर्स, जैसे कि हम बात करेंगे टाइको ब्राहे की, जोहानस केपलर की, आइजैक न्यूटन की, जिनका काम इस वर्क पर इस्टेब्लिश हुआ। केपलर ने और रूल दिए जो कि प्लैनेट्स फॉलो करते थे। न्यूटन ने तो ग्रेविटी ही दे दी, जिसमें कि एक्सप्लेन किया कि आखिर वो चलते क्यों थे, मोशन जैसा दिखता था वैसा क्यों है। और बेसिकली साइंस ऐसे ही वर्क करती है कि किसी भी बड़े साइंटिस्ट का काम और पुराने साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। कोपरनिकस के काम से बहुत फायदा हुआ टाइको ब्राहे और जोहानस केपलर को, और केपलर के काम से बहुत फायदा हुआ न्यूटन को, और न्यूटन के काम से बहुत फायदा हुआ आज के साइंटिस्ट को। साइंस बेसिकली इसी एक सोशल एंडेवर है जिसमें कई लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। साइंस कूल है। थैंक यू।